पिछली बार गैलेक्सी रेसर में ब्लड ने बोवी पर अटैक किया, जिसकी वजह से बोवी को चोट लग गई। मास्टर बियर्ड ने रॉय और उसकी टीम की मदद की और कार्स वेपन्स के साथ अपग्रेड किया। ब्लड और द वोल्फ्स स्पीड लो के साथ मिलकर एक सीक्रेट प्लान कर रहे हैं, पर उनका मकसद क्या है? मुझे पता है, हम रास्ता जानते हैं। ये मेज मुझे हर बार अलग क्यों लगता है? ये हर बार एक ही जैसा होता है रॉय, तुम कंफ्यूज हो रहे हो। मेरे साथ रेस करो यूजलेस, तुम डरते हो। रॉय, तुम्हें जीतना होगा, ये रेस खतरनाक होगी। रॉय शांत हो जाओ, रेसिंग मुझे नर्वस कर देती है, और ये कोई साधारण रेस नहीं है। इसका नतीजा कुछ भी हो सकता है, चाहे जो हो जाए मुझे जीतना ही होगा। ये एक्सेल पाने का मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। और एक डेड एंड, वो इस तरफ होगा, चलो जल्दी। देखो इस लड़के को, ये सो क्यों रहा है? हे उठो, तुम्हें पता है टाइम क्या हुआ है? कौन है? चलो, वो एक्साइटिंग रेस देखना चाहते हो तो चलो 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 उठो, ऐसे पड़े रहना अच्छी बात नहीं है। चलो उठो, आओ मेरे साथ, चलो चलो जल्दी चलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। आओ मैं तुम्हें हमारे ऑडियंस के एक मेंबर से मिलवाता हूँ। अर्थ, वो हमारा रेसिंग चैंपियन है, वो कभी नहीं हारता, पर जब से इसकी कार पिछले साल के चैलेंज में डिस्ट्रॉय हो गई, तब से हमने इसे नहीं देखा। एक्सेल को प्लेन के लिए एक रोमांचक रेस शुरू होने वाली है, कौन होगा विजेता? चलो टीम के मेंबर से मिलते हैं। ब्लड, हिल और फाइव वर्सेस रॉय, बोवी और शाखा। पिछले रेस की तरह आज की रेस भी प्लेनेट साइरस टाइकून ने स्मार्ट ट्रैकिंग कैमरास के साथ स्पॉन्सर की है। अपनी आंखें खुली रखिए और रेस का पूरा मजा लीजिए। लेट्स वेलकम द लिटिल ड्रैगन पैप्रिका। एंजॉय द रेस एवरीबॉडी। यो, चलो फिर एंजॉय करते हैं। रुको, मुझे कुछ कहना है। रॉय की टीम ने कल की रेस के रिजल्ट की अपील की है। द वोल्फ्स ने एक अटैक लॉन्च किया, इसलिए सब ने डिसाइड किया कि वो आज एक टीम की तरह रेस करेंगे, ना कि अकेले। दोनों टीम को तीन हिस्सों में बांट दिया जाएगा। हर ग्रुप एक सेगमेंट पे रेस करेगा। हर सेगमेंट के विनर को अगली रेस में रेस ट्रैक चूज करने का मौका मिलेगा। हर सेगमेंट से पहले हर रेसर को कार असेंबलिंग कॉन्टेस्ट को पार करना होगा। जो इस कॉन्टेस्ट को पार करेगा वो ही अगले राउंड में जीत पाएगा। मुझे कार असेंबली कॉन्टेस्ट से कोई डर नहीं, इन बेवकूफों को कार असेंबली के बारे में कुछ नहीं पता, वो हार जाएंगे। ब्लड डियर, मिस्टर ताज चाहते कि हम ये रेस जीते, हमें जीतना होगा, अगर हम नहीं जीते तो अच्छा नहीं होगा, हमें जीतना ही होगा, समझे? कम ऑन। यस मैम, मुझे द टेबल फाइटर्स को ज्वाइन करना है। मैं मिस्टर ताज के लिए कुछ भी करूँगा, फिर वो चाहे जो भी हो मैं करूँगा। अब आगे चलिए, आज की रेस के ऑर्डर को देखते हैं। पहले है द फैंग्स वर्सेस द इलेक्ट्रिक स्नेक। ये बहुत टफ होने वाला है, पर ये बहुत एक्साइटिंग होगा। वो कौन से ट्रैक पर रेस करेंगे ये हम किस्मत पर छोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं किसे कौन सा ट्रैक मिलता है। वाह, पहली टीम द किलर ट्रैक। द किलर ट्रैक पर ये मेरा फेवरेट ट्रैक नहीं है। द किलर ट्रैक, द किलर ट्रैक। 5, 4, 3, 2, 1, go!
द नंबर 3 निकल बैटरी पावर इंजन के लिए बेस्ट है। जब वेपन का यूज करने की बारी आती है तो ये कार की पावर को बढ़ा देता है और उसे मदद करता है। नॉर्मल कंडीशन में ये पावर इंजन के साथ कंसिस्टेंसी एनर्जी मेंटेन करता है और उसकी मदद भी करता है। यह आज की तारीख में सबसे कॉम्प्लिकेटेड डिफेंस है। यह अपनी कार को अटैक से बचाता है और अटैक करने वाले को कार में बदल देता है। वो किसी भी कार पर अटैक होने वाले हमले से बचा सकता है। तुम अपना टारगेट मिस नहीं करोगे। शाका, वे टू गो। वो बहुत तेज है, पर उसका ओपोनेंट भी कुछ कम नहीं। उसने सिर्फ आधे सेकंड में उसके बाद खत्म किया। हमें उन्हें साधारण नहीं समझना चाहिए। शाका और हिल ने अपनी कार एक साथ एक ही जगह पर लाई। वो अगली रेस के लिए अपने कपड़े बदलने वाले हैं। क्या आप इस रेस के लिए तैयार हैं? द फैंग्स वर्सेस द इलेक्ट्रिक स्नेक। कार सब द कन्वेयर पर है, जो हर कार की पावर और एलिजिबिलिटी को टेस्ट करेगा। ओहो, इनएक्सपीरियंस फूल, तू इस कन्वेयर पर इतनी तेज चलाकर अपने लिए मुसीबत मोल ले रहा है। तुम्हें कर्ज पर स्लो करना होगा, वरना तुम क्रैश हो जाओगे और वो तुम्हारा अंत होगा। द इलेक्ट्रिक स्नेक बहुत ही फास्ट जा रहा है, वो अचानक स्लो क्यों हो गया? क्या मेरे आगे कोई है जो खतरा है जो मैं नहीं जानता? ओह नो, द इनर कर्व। अगर मैं इसमें बहुत फास्ट जाऊं तो स्पीड में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा और मैं स्लिप हो जाऊंगा और दीवार से टकरा जाऊंगा। क्या मैं अंदर रहूं या बाहर ही रहूं? वैसे भी इतनी जल्दी मैं स्लो नहीं कर सकता। मैं अपनी स्पीड में ही रहूंगा और गैप्स में से निकल जाऊंगा। My goodness, रेस अभी शुरू ही हुई है और रेसर्स अभी से ही लीड लेना चाहते हैं। This is simply awesome. वो एक दूसरे के आगे पीछे जा रहे हैं। आने वाले ट्रैक के आगे ये बचकाना सा है, वो वोल्फ किलर ट्रैक है। The Wolf Killer Track? सिर्फ बेस्ट रेसर इसे पार करेंगे। शाका, क्या तुम ये सब सही सलामत कर पाओगे? सेंट फॉर द फैंग्स बहुत अच्छा काम करती है। अगर मैं भी अपनी स्पीड बढ़ाता रहूं तो द इलेक्ट्रिक स्नेक मेरे पीछे होगी और वो भी अपनी कार असेंबल कर सकता है और वो वैसा ही शुरू करेगा। ये तो सिर्फ वार्म अप था, आगे आगे देखो होता है क्या। ये लड़का अपने आप को इनविजिबल गैलेक्सी रेसर कहता है। व्हाट अ जोक, वो इस ट्रैक पर स्पीड भी नहीं बदल सकता। सपना तो देखो सपना। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत हैंडसम हो? मैं अपना डिफेंस वेपन अपने अनसीन डेंजर को देखने के लिए यूज कर सकता हूँ। इस तरह मुझे उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। Keep it up, you can beat him. अटैक ना होने पर भी वो अपना डिफेंस सिस्टम क्यों यूज कर रहा है? ऐसा करके वो अपनी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट कर रहा है। इतना ही नहीं, उसने बहुत जल्दी सबको दिखा दिया कि वो कर सकता है। हाँ, सिंकहोल्स, मैंने इसे पहले ही देखा है, पर यह बहुत तेज स्पिन कर रहा है।
मुझे सावधान होना होगा नहीं तो मैं गिर सकता हूँ। सॉरी किड्डो, जब तुम हिल को पास करते हो तो यही होता है। अब ये देखो, फ्लाई इलेक्ट्रिक स्नेक। मैं तुम्हें किसी भी हाल में फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंचने दूंगा। हार मत मानना सिंह शाका। हालांकि शाका ने डिफेंस वेपन से आने वाले खतरों के बारे में जान लिया था, पर द फैंग्स डेंजर से रिएक्ट करने में बहुत ही स्लो था। वही रुको शाका, वो कोई गंदी चाल चलने वाला है। रुक जाओ शाका। डैम इट, मेरी कार सिंक हो रही है। पर बीच का हिस्सा तो शांत है। अगर व्हील्स की स्पीड सैंस की स्पीड से तेज हो गई तो मैं आसानी से आगे जा सकता हूँ, तेज हो सकता हूँ। राइट है, चलो चलो चलो, अब मैं जाता हूँ। तो फैंक्स, चलो। यकीन नहीं होता, शाका इज एस्टोनिशिंग, सिंपली फैबुलस। द फैंक्स ने बड़ी आसानी से तेजी से खतरे को पार कर लिया है। अब वो द इलेक्ट्रिक स्नेक के पीछे जा रहा है, जिसका रास्ता आगे की तरफ निकलता है। रिले पॉइंट की तरफ पहले कौन जाएगा? मुझे पता है कि तुम जाना चाहते हो, पर अभी तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लगा कि द फैंक्स का बस अंत हो गया, पर इतनी जल्दी कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई नहीं जानता कि कौन जीतने वाला है। देखते हैं पैप्रिका के पास हमारे लिए क्या है। द फैंक्स शायद होल में फंस गई थी, पर मैं आगे बढ़ पाया क्योंकि द फैंक्स शाइन ट्रैक पर बहुत अच्छी है। मुझे बहुत केयरफुल रहना होगा। चलो। इलेक्ट्रिक व्हिप अटैक। ये पर्पल क्रिस्टल बहुत ही हार्ड है। अगर मैं इससे लड़ नहीं पाया तो मेरी कार कुछ सेकंड में ही बर्बाद हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिसिटी भी गुड कंडीशन में है। अगर मुझे इलेक्ट्रिक करंट लगा, द फैंग्स के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे द फैंग्स के पास आसपास रहना होगा। ये एकदम से स्लो क्यों हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। मैं जानता हूँ तुम मेरे पास ही हो। तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो? शाकाल क्या कल ही पैदा नहीं हुआ है? शाका का वार एकदम भारी होगा। अटैक करने के बाद भी मेरी कार में अभी भी थोड़ी एनर्जी बाकी है, क्योंकि इसमें इतनी पावर लग जाती है। मैं उसे इस बात का पता लगने नहीं दे सकता। द इलेक्ट्रिक स्नेक चला गया। मुझे यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, वरना मैं खतरे में पड़ जाऊंगा। पर्पल क्रिस्टल की पावर बहुत ही ज्यादा है, मुझे इसे कम नहीं समझना चाहिए। वो पर्पल क्रिस्टल्स बहुत खूबसूरत है। जब उनसे करंट निकलता है तो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो अब देखो शाका, उनकी खूबसूरती पर मत जाओ। तुम्हें संभल कर रहना होगा शाका, डटे रहो, तुम्हें ये रेस जीतनी होगी। हाँ, क्या चल रहा है? द इलेक्ट्रिक स्नेक अचानक से रुक क्यों गई है? ओ नो, ये क्या? कम हियर बॉय, उससे मुकाबला करो। मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी द फैंक्स के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो मुझे खूबसूरत सीनरी दिखाकर गुमराह करना चाहते हो, पर इसका कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हारे चंगुल में आने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हें पास कर जाऊंगा। द फैंक्स, चलो आगे। मैं सारा दिन इंतजार कर सकता हूँ, कम ऑन, और कितना इंतजार करवाओगे? मैं बहुत दूर से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, अब लीड लेने की बारी मेरी है। ये देखो, मैं लीड ले रहा हूँ। चलो, गो अटैक। द
इलेक्ट्रिक स्नेक के साथ तुम्हें बहुत ही सावधान रहना होगा। तुम इलेक्ट्रिसिटी के साथ इल्यूजन में निकल सकते हो और अपने अपोनेंट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसके आगे तुम्हें इतना मुश्किल नहीं होगा। द फैंग्स हैमर अटैक। उसने ये कैसे किया? वो लड़का मुझे मेटियोर्स के साथ अटैक कर रहा है, सिली बॉय। अगली बार तुम इतने लकी नहीं होगे। तुम फिर से ट्राई करना चाहते हो? मैं एक ही ट्रिक में दो बार नहीं फंसना चाहता। आगे बढ़ो जितनी जल्दी हो सके, अपनी बैटरी वेस्ट मत करो, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। ब्लैक स्टॉर्म अटैक। हाँ? तुम्हें क्या लगता कि तुम जो कुछ कर रहे हो मैं उसे नहीं जानता? जब तुम जाओगे तो ये मीटियर्स तुम पर गिर जाएंगे और ये जो भी कुछ होगा उसके जिम्मेदार तुम होंगे, सिर्फ तुम, समझ गए? क्या हुआ? शाका ने हिल के डबल अटैक को मात दे दी। वेल डन शाका, हम फर्स्ट स्टेज जीत गए। शाका इज द मैन। द इलेक्ट्रिक स्नेक बहुत ही पीछे रह गया है बोई, अब हमारी बारी है, हमें आगे जाना ही होगा और उन्हें दिखाना होगा। द फैंक्स ने पहले स्टेज को पहले खत्म कर लिया। द इलेक्ट्रिक स्नेक में कुछ प्रॉब्लम है, तुम्हारी टीम में से बोवी अगला रेसर है, तुम्हें अगला ट्रैक चुनना होगा, तो चलो जल्दी चुनो ट्रैक। प्लेनेट सीरियस का मौसम काफी सूखा है और बारिश भी रेगुलर नहीं होती, इसलिए यहाँ अंडर वाटर ट्रैक नहीं है। बोवी द क्विक सैंड ही चूज करेगा। बोवी ने द क्विक सैंड ट्रैक चुना, ये प्लेनेट सीरियस के सबसे प्यारा ट्रैक है। दोनों रेसर द क्विक सैंड ट्रैक की डिमांड के हिसाब से कार को अच्छी तरह असेंबल कर सकते हैं और स्टेज टू शुरू होता है। द क्विक सैंड, क्या बोवी स्टेज टू के दौरान लीड कर पाएगा? मैग्नेटिक व्हील कार को ट्रैक पर अच्छी तरह से परफॉर्म करने में मदद करते हैं, लेकिन दूसरे पार्ट्स भी और ज्यादा जरूरी है, लेकिन दूसरे पार्ट्स और भी ज्यादा अच्छे साबित हो सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया है। अरे कम ऑन, उसने अभी तक शुरू नहीं किया। द इलेक्ट्रिक स्नेक फाइनली रिले पॉइंट पर आ ही गया, द वॉल्स असेंबली शुरू करते हैं। द क्विक सैंड ट्रैक पर एक डिफेंसिव लीडिंग साइड व्हील हाई स्पीड व्हील से 0.07 से ज्यादा तेज होगा। द डिफेंसिव लीडिंग साइड व्हील लगाना चाहिए, मुझे यही ठीक लग रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो इतना स्टूपिड है, द क्विक सैंड ट्रैक चुनेगा, वो मेरा फेवरेट ट्रैक है। हम भले ही एक स्टेज पर हार गए हैं, पर तुम हमेशा इतनी लकी नहीं रहोगे, ट्रैक्स पर मिलते हैं। अब हारने की बारी तुम्हारी है, ना कि मेरी। थ्री टू वन गो। एपिक रेस का पहला हिस्सा बहुत एक्साइटिंग था। स्टेज वन में हिल के साथ रेस जीतकर शाका बेहद खुश हुआ और उसके दोस्तों को उस पर गर्व है। क्या बोवी स्टेज टू में लीड कर पाएगा? और आखिरी स्टेज के बारे में मत भूलना, रॉय वर्सेस ब्लड।